यहाँ देखिए, तो ये है स्नो स्कूटर यार, जो गाड़ी के ट्यूब के ऊपर बैठ के स्लाइड करते हैं। यार Please click on subscribe button and hit the bell icon for latest updates. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ योर होस्ट नवीन ठाकुर। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो भाइयों, आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे ऐसा ही प्यार देते रहेंगे। तो भाई, जो आज की वीडियो है बेसिकली वो है सोलांग वैली के लिए। तो जी हाँ, अभी तो हम सोलांग वैली में नहीं है, तो हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो आप देख सकते हैं, जो पीछे वाली वैली है वो पूरी सोलांग वैली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके सोलांग वैली के बारे में थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर करूँगा। तो गाइस, जो सोलांग वैली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो कि है आपकी, जिसकी हाइट है लगभग 8400 फीट। भाई, जो मेरे पीछे की ब्यूटी है वो आपको लगी गया पता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपका सोलांग वैली उधर से। यहाँ तो अभी पहुँचे नहीं हम सोलांग वैली, अभी हम सोलांग वैली और मनाली के बीच में। तो यहाँ से जो सोलांग वैली का डिस्टेंस है लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। तो भाई, जो मनाली से सोलांग वैली का, तो मैं इसमें इस वाली वीडियो में आपके बेसिकली कुछ एक डाउट्स क्लियर करूंगा। जैसे कि जो मनाली से सोलांग वैली का डिस्टेंस है वो है लगभग 13 किलोमीटर। तो पीछे आप देख ही सकते हो गाइस, अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट लोकेशन देख ही सकते हो। ब्यास नदी बहती हुई और इसकी गशिंग आवाज़ अल्टीमेट है। बाकी स्नो कैप्ड माउंटेन्स, जो रोहतांग के आपके माउंटेन्स है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस टाइम। और आप दूसरा देख सकते हो, वहाँ पर भी बर्फ़ बची है जो सोलांग वैली साइड है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, नदी से ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, क्योंकि इट कैन बी डेंजरस फॉर योर लाइफ। तो थोड़ा दूर, क्योंकि अल्टीमेट जगह यहाँ का मज़ा ले सकते हो आप ऊपर का। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको सीधा ले जाऊँ सोलांग वैली, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूँगा कि कुछ एक एक्टिविटी है जो कि होती है सोलांग वैली और मनाली के बीच में। जैसे कि यहाँ पर अभी हो रही है रिवर क्रॉसिंग। जी हाँ, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, रिवर क्रॉसिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक कपल है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों ही एंजॉय कर रहे हैं रिवर क्रॉसिंग का। तो अभी फ़िलहाल पानी थोड़ा कम है, तो उतना आपको एडवेंचरस नहीं लग सकता, बट करने के बाद आपको थोड़ा फील अच्छा होगा। तो जैसे अब गर्मियों में भी ट्राई कर सकते हैं, मेन गर्मी में नहीं होगा, बट जब पानी थोड़ा बड़ा होता है तब आप एंजॉय कर सकते हो इसको। तो अब है टर्न आपकी रॉक क्लाइंबिंग की गाइस। तो साथ में ही आप इसी के साथ आप रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हो। इस रॉक की हाइट है वो लगभग होगी 35 to 45 फीट। तो आप इसमें भी आप रॉक क्लाइंबिंग अगर आपने कभी की नहीं होगी, तो आप इनिशियल वाले बंदा जो है करना चाहता है तो इसमें कर सकते हो रॉक क्लाइंबिंग। तो प्राइस है जो यहाँ पर आपका रिवर क्रॉसिंग का, वो भी है 250 और रॉक क्लाइंबिंग का वो भी है 250। तो गाइज़, आप दोनों ही ट्राई कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इसके बाद मैं आपको सीधा ले चलता हूं सोलांग वैली की ओर। मैं अब ले चलता हूं आपको सीधा सोलांग वैली की ओर। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, ये है आपका सोलांग वैली में एक्टिविटी पॉइंट। तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो इन्हीं पॉइंट पे होंगी, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, चाहे वो स्कीइंग हो। तो आप देख सकते हैं, एक भैया ट्राई कर रहे हैं स्कीइंग करने की, उनके साथ गाइड भी हैं, तो आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर बढ़ने के कारण बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी। जैसे ही आप एंटर करोगे सोलांग वैली में, सबसे पहले आपको दिखेगा ये वाला रोप वे। तो जी हाँ, जो सामने है मेरे वो है रोप वे, और इसका जो नज़ारा बहुत ही अल्टीमेट आता है। तो इसमें आप जा सकते हो काफ़ी हाइट तक, जो आपको दूसरा स्टेप दिख रहा है वो वाला। तो रोप वे की जो टोटल लेंथ है वो है 1.8 किलोमीटर, और जो टोटल टाइम लेगा ये ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाने के लिए, तो वो लेगा टोटल 10 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, रोप वे के दूसरी साइड आपको मिलेगा एक टॉप व्यू, जहाँ से आप देख सकते हो सोलांग वैली को
अगर आपने यू नो रोप वे का मज़ा नहीं लिया होगा आज तक लाइफ में, तो आप इस रोप वे को ट्राई कर सकते हो। और जो इस रोप वे का प्राइस है वो है 650 पर पर्सन। थोड़ा महंगा है, पहले अराउंड 400-500 था, अब थोड़ा महंगा हो चुका है, तो अब 650 पर पर्सन है। तो इसके लिए आपको टिकट्स के लिए कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, तो आपको सीधा इसी के जो रोप वे अभी दिख रहा है आपको आगे शेल्टर, तो उसके नीचे ही आपको टिकट काउंटर लगा होगा, तो वहीं आपको टिकट्स मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगली बात करेंगे हम यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्टिविटी की, तो उसमें आती है ये ट्यूब राइड। तो बहुत ही अच्छी राइड होती है गाइज, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको उस हाइट से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, थोड़ी ऊपर की हाइट से आपको धकेला जाएगा और आपको बिल्कुल स्लाइड करते हुए बहुत अच्छी स्पीड में आप सीधा नीचे पहुंचोगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है ये वाली एक्टिविटी का, तो आप इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हो। इसमें एक आपकी ट्यूब यूज़ होती है और एक ट्यूब में मैक्सिमम दो लोग रह सकते हैं, चाहे वो कपल हो चाहे वो दो बच्चे भी हो सकते हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हो। और रही बात इसकी सेफ्टी की, तो इसमें ऐसा इंजरी लगने का खतरा तब होता है या फिर आप किसी से टकरा जाओ या फिर आप गिर जाओ, तो थोड़ा बहुत आपके स्क्रैचेस हो सकते हैं इससे गिरने में। तो फ्रेंड्स इसका प्राइस भी 250 पर पर्सन है, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो बार्गेनिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जो मैं अगली बात करने वाला हूं, वो करने वाला हूं स्की की। जी हां, एक ऐसा स्पोर्ट जिसके लिए बर्फ का होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो, सोलांग वैली में पड़ चुकी है बर्फ और अब लोग काफ़ी स्की करने के लिए बेताब होंगे इस बर्फ़ में। तो अभी बर्फ एक्चुअली उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं हुई और कह सकते हैं हम कि अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है यहाँ पे, तो जिसके कारण अभी छोटी वाली स्की हो रही है, जो कि यहाँ पे लोग देख सकते हो आप कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बूढ़े कर रहे हैं, साथ में बड़े भी जो यंग पीपल हैं वो भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रोबे है उसके राइट साइड जितना भी आप स्लोप देख सकते हो, जो स्लांट स्लोप है, तो वहाँ पे जब अभी बर्फ़ पड़ेगी, जो फ्यूचर में बर्फ़ पड़ेगी, तो वो जम जाती है और वो लगभग सोच लो आप फेब तक रहेगी, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है स्की करने का। तो अगर आप स्की लवर हो तो आप यू नो जैन में आ सकते हो और लंबी वाली जो स्की है उसका मज़ा ले सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ा आएँ और थोड़ा बहुत एंजॉय करें, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो जहाँ ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताऊँगा मैं प्राइस, जो स्की का प्राइस है वो भी सेम है यहाँ पे, जो जितनी भी एक्टिविटी है लगभग सेम प्राइस है यहाँ, स्की का भी आपको 200-250 पड़ जाएगा। तो भाई जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो थोड़ा सा एडवेंचरस ज़्यादा है, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि उसको वो कंप्लीट होगी आपकी स्नो स्कूटर के साथ। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्नो स्कूटर है वो, जो कि हवा को चीरते हुए हमारी तरफ आ रहा है। तो गाइस यहाँ से स्नो स्कूटर के एक्चुअली ट्रैक बने हैं, तो जहाँ से वो अभी आए तो काफ़ी लंबा ट्रैक है, लगभग यू नो 400-500 मीटर का ट्रैक, तो आप उसका एंजॉय ले सकते हो। और रही बात दूसरी कि स्नो स्कूटर काफ़ी यू नो स्नो स्कूटर बेसिकली टू टाइप हैं, या फिर एक में एक बैठ सकते, जो छोटा होगा, और दूसरा है थोड़ा बड़ा जिसमें आप दो लोग बैठ सकते हैं। तो इसका जो स्नो स्कूटर का गाइस प्राइस है यहाँ पे, वो है आपका एक तो सिंगल बंदे के लिए हो या डबल के लिए, तो आपको 500 चार्ज होगा, बट आप दो आदमी हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज वो पड़ेगा आपको 500 मीन्स 250 रुपीज़ ईच। तो आप इस तरह यहाँ पे स्नो स्कूटर का भी एंजॉय ले सकते हैं। तो बट ये कहूँगा मैं, तो अभी तो जैसे बर्फ़ यहाँ पे कम है, बट ज़्यादा होगी तो स्नो स्कूटर आप खुद एंजॉय कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हो सके तो अपने गाइड से ट्राई करें कि अगर आपको बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप स्नो स्कूटर भी चला लोगे, तो आप मांग भी सकते हैं अपने गाइड से कि, बट वहाँ चलाने की कोशिश करें जहाँ पर दूसरी पब्लिक ना हो। ऐसा ना करें कि ज़िद कर दी आपने कि अभी हमें चलाना है और वो भी पब्लिक के बीच में, तो इससे आप एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ट्राई कीजिए चलाएं, लेकिन पब्लिक से दूर। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर नेक्स्ट एडवेंचर एक्टिविटी विच इज़ पैराग्लाइडिंग। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे बात होगी पैराग्लाइडिंग की। तो पैराग्लाइडिंग का मज़ा अल्टीमेट होता है, जैसा कि आप अभी देख सकते हो वीडियो में कितनी ऊपर से उड़ के आ रहा है पैराग्लाइडर। तो गाइज यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का बेहद मज़ा ले सकते हैं सोलांग वैली में। तो ये पैराग्लाइडिंग एक्चुअली आज से नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से होती है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग होती है वो टोटल दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी हाई फ्लाई और दूसरी होती है आपकी शॉर्ट फ्लाई। तो जो आपकी हाई फ्लाई होती है वो होती है आपकी यू नो इस जो आपको दिख रहा है रोप वे, तो वहाँ से लेके जाते हैं आपको तो ऊपर हाइट पे, जो मैंने कहा था उस टापू पे, और उसके बाद वहाँ से
यू नो फ्लाई का जो टेक ऑफ होता है वो वहाँ से होता है और जो लैंडिंग होती है वो आपके सामने हो रही है। तो दूसरी जो होती है वो शॉर्ट फ्लाई होती है, जो कि आप देख सकते हो कि इस रोपवे के राइट साइड जो ऊपर स्लोप है जहाँ पे स्की होगी बाद में, तो वहीं से स्टार्ट होती है और यहीं पे जहाँ अभी खड़े हम वहाँ पे एंड होती है। तो भाई यहाँ पे बात करूँगा कि किस में ज़्यादा मज़ा आता है, हाई फ्लाई में कि शॉर्ट फ्लाई में। तो भाई वो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। ज़्यादा बजट है तो आप हाई फ्लाई के लिए कर सकते हो, कम बजट है तो आप शॉर्ट फ्लाई के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ये आजकल सीज़न पीक पे नहीं है तो प्राइस जो है अभी वो 2500 रुपीज़ है पर पर्सन के लिए, जो कि हाई फ्लाई का। और जो शॉर्ट फ्लाई है वो अभी 1000 रुपीज़ है, बट सीज़न में कई बार ये 1200 तक होता है। लास्ट थिंग अबाउट पैराग्लाइडिंग इज टाइमिंग। तो जो शॉर्ट फ्लाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2 मिनट की 2.5 मिनट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लॉन्ग फ्लाई होती है, जो हाई फ्लाई होती है, उसका जो टाइमिंग है वो 9 से लेकर 15 से 20 मिनट तक हो सकती है, वो हवा पर डिपेंड करता है उसका। तो गाइज़ अगर आप कर रहे हो पैराग्लाइडिंग सोलांग वैली में या फिर कुल्लू मनाली के कहीं भी पार्ट पर, तो अपने गाइड को फ्लिप्स के लिए ज़रूर बोलना। फ्रेंड जो बुकिंग काउंटर है वो वहाँ पर है, पैराग्लाइडिंग बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब करने वाले हम ऐसी एक्टिविटी की बात जो कि बॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है और बॉयज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत से बॉयज़ की ऐसी इच्छा होगी कि हमने ATV राइड करनी है। तो यहाँ पे बात हो रही है ATV की, जो कहते हैं जिसे ऑल टेरेन व्हीकल। तो जैसा नाम वैसा काम उसका, जैसा भी रोड हो, रफ हो, हार्ड हो, स्टिफ हो, जैसा भी रोड हो, तो वो उस पर आराम से चल जाती है, चाहे मड वाला हो चाहे स्नो वाला। तो गाइस यहाँ पे फॉर ATV की बात वही है, जो छोटा वाला ATV अगर आप सोलांग वैली में ही घूमना चाहते हो वो आपका 250 लेगा, और जो अगर आपको डबल वाला चाहिए जिसमें आप दो लोग बैठ सकते हैं, चाहे कपल हो चाहे आप अपने बेबी के साथ बैठोगे, तो वो 500 पड़ेगा आपको एक ATV। तो मैं यहाँ बात करूँगा कि आप ATV के बारे में, कि आप ATV में ही अंजनी महादेव तक जा सकते हैं। जी हाँ गाइस, जिसको सोचते हैं कि थोड़ा सोलांग वैली में कम स्नो मिल रही है तो वो आप अंजनी महादेव तक जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, बट जो रोड होता है जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके बाद जो कीचड़ बहुत हो जाता है उस रोड पे, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसको ATV में जाने की। तो जो टोटल डिस्टेंस वो 2.5 किलोमीटर है सोलांग वैली से अंजनी महादेव का, तो बहुत यू नो एंजॉय कर सकते हो आप ATV राइड का उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करूँगा मैं प्राइस की, जो कि सोलांग वैली से अंजनी महादेव के लिए लेते हैं तो वो 1200 तक ले सकते हैं या फिर उससे थोड़ा कम या ज़्यादा। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर कौन से पर्सन को चूज़ किया है। तो अपने गाइड से आप ये भी कर सकते हैं कि खुद राइड करने की ट्राई मांग सकते हो कि वो दे दें, तो चांसेस होते हैं कि वो दे दें अगर आपका अच्छा गाइड होगा तो, और आपको अगर चलाने अच्छी तरह से आती है तो। तो बट यहाँ पे ATV के साथ साथ मैं यहाँ बात करूँगा हॉर्स राइडिंग की भी, तो आप यहाँ पे एक और एक्टिविटी का मज़ा ले सकते हैं जो कि हॉर्स राइडिंग है। तो यहाँ पे हॉर्स राइडिंग को भी आप डायरेक्ट सोलांग वैली से लेकर अंजनी महादेव के लिए ले जा सकते हैं, तो या फिर आप पूरे सोलांग वैली का राउंड भी लगा सकते हैं हॉर्स के ऊपर। तो ये भी आपका जो अंजनी महादेव का है वो भी 300 से 400 रुपीस लेगा पर पर्सन अंजनी महादेव का, तो वो आप चूज़ कर सकते हो आपको यू नो हॉर्स पे बैठना है या फिर ATV पे बैठना है। तो फ्रेंड्स अब करते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की बात, जो कि है हॉट एयर बलून राइड। तो जी हाँ गाइज, अभी जैसे आप देख सकते हैं इस बारे बलून में हवा भरी जा रही है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है हवा भरने में, तो मैं दूसरा बताऊंगा आपको जो उड़ रहा है। तो जो भी यहाँ है वो एक्चुअली सोलांग वैली से थोड़ा सा पीछे है, तो कह सकते हैं मनाली से काफ़ी नज़दीक है, मनाली से 2 किलोमीटर आगे है और सोलांग वैली से पीछे। तो आप यहाँ पे भी इस हॉट एयर बलून का मज़ा ले सकते हैं या फिर सोलांग वैली में भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें एक्चुअली हवा नहीं भरी, तो ये इसी टाइप से हाइट जाता है, तो इसका मज़ा ले सकते हो आप मनाली में। तो जो प्राइस है यहाँ पे हॉट एयर बलून का वो 1200 का है। जी हाँ गाइस, इसमें आप हवा में आपको ले जाया जाएगा लगभग 100 फीट के आसपास, और जो टाइमिंग होगा लगभग 5 to 7 मिनट्स का होगा टोटल टाइमिंग। तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं अगर सोलांग वैली में आए हैं तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करूँगा मैं बजट ट्रैवल की, तो काफ़ी लोगों का ये भी यू नो एक इशू होगा कि भाई हमें बजट ट्रैवल करना है तो ज़्यादा एक्सीड ना हो हमारा बजट। तो उसके लिए यहाँ पे KPL ऑफर लाया है कि अगर आप करना चाहते हैं पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग दोनों, तो वो भी न्यू ईयर पे या फिर न्यू ईयर से पहले, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो राफ्टिंग को, कि किस तरह की राफ्टिंग होती है कुल्लू में, तो आप उसका मज़ा ले सकते हो विद पैराग्लाइडिंग। जो टोटल प्राइस होगा वो 2400 में होगा गाइज़,
तो बाकी सेम प्राइस होता है यहाँ। अगर यहाँ के आप बुक करोगे तो वो आपको पैराग्लाइडिंग 2500 में ही पड़ेगी, पूरे मनाली कुल्लू मनाली की बात कर रहा हूँ। बट अगर आप अभी KPL के साथ बुकिंग करते हो तो आपको 2400 में दोनों राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग दोनों ही पड़ेगी। तो फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो या फिर अपनी क्वेरी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले करूं मैं आपको गुड बाय, तो उससे पहले क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में सीधा जाने का है और बताना है कि आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पसंद आई, और दूसरी बात कि कौन सी एक्टिविटी है जो कि आप करोगे सोलांग वैली आके। तो प्लीज़ गाइज, ये ज़रूर करने का है। तो भाई, दिस वॉज ऑल अबाउट सोलांग वैली। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो भाई, अगर वीडियो पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ लाइक बटन और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।